बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी बीजेपी की सांसदों की बैठक की जाएगी और मदद भी करने वाले हैं। कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए बीजेपी सांसद मदद करेंगे, सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान और कहेंगे कि मदद का बड़ा हाथ आगे बढ़ा है। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे। तो देश भर में जिस तरीके से कोविड-19 का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों का, ऐसे में अब देश को हर हालात से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी, जिसके लिए अलग अलग जरिए से लोग अब फंड में मदद कर रहे हैं और बीजेपी सांसद मदद करेंगे कोविड-19 की रोकथाम के लिए और सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए राशि देने की ऐलान किया गया है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। तो कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए लगातार मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए बीजेपी के सांसद मदद के तौर पर देने वाले हैं और बेहद ज़रूरी है ऐसे समय में जब कोविड-19 के मामले, कोरोना वायरस के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। ललित, बहुत जरूरी है ऐसे समय में जब हर किसी को एक दूसरे का साथ देना है, ऐसे में बीजेपी के सभी सांसद सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए राशि देने वाले हैं और ये बड़ा ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से किया गया। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सपना ही अपने आप में एक बड़ा ऐलान है और बड़ा ऐलान इसलिए भी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री ने जो है अपील की है सभी लोगों से कि वो लोग देश के इस विपत्ति के समय में दान करें। और उससे पहले जो है एक खबर आई थी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सभी से कहा है कि वो अपने अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपया दें और उसी कड़ी में अब मान कर चला जाए कि इस वक्त मौजूदा संसद में, लोकसभा में 300 से ज्यादा बीजेपी के सांसद हैं और राज्यसभा में भी इनका आंकड़ा जो है लगभग 100 के आसपास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अच्छी राशि जो है वो इस यहाँ से सांसद निधि से सीधे सरकार के फंड में ट्रांसफर हो जाएगी और सरकार को इससे लड़ने की, सरकार को इससे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, जो तैयारियां करनी है राज्यों के साथ मिलकर, वो करने में मदद होगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सपना, इसमें पूरे सभी लोगों को जुटना पड़ेगा क्योंकि अब पीएम ने जिस तरह से अपील की है इसका मतलब यह है कि अब सरकार ये सोच रही है कि अगर उसे अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना है और जो भी तैयारी होगी वो देश के लिए ही होगी, सरकार किसी व्यक्तिगत स्तर पर काम नहीं करती है कभी भी। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो भी लोग कर सकते हैं और खासतौर पर उन लोगों को सामने आना चाहिए जो हमारे लिए बड़े रोल मॉडल हैं, बड़े बड़े अब वो स्टार हों, प्लेयर हों, जो भी जितना कुछ कर सकता हो उन सभी को सामने आना। बिल्कुल, हर ओर से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में भारत को एक दूसरे की मदद करनी होगी। 130 भारतीय जब एक साथ आएंगे तभी कोरोना वायरस से एक साथ